कोई बंदा है जो मुझसे रिस्क का तलबगार है, रिस्क के वजह से परेशान है, वो रिस्क की कुशादगी चाहता है, वो मुझसे रिस्क की कुशादगी की दुआ करे, मैं उसके रिस्क को कुशादा कर दूंगा, उसके रिस्क को बढ़ा दूंगा। फिर अल्लाह ताला कहता है अला रब तलन फवाकियहु लहु, कोई शख्स मुसीबत का मारा हुआ है, जो भी मुसीबत का मारा हुआ किसी भी परेशानी का शिकार है, वो अगर मुझसे परेशानी को दूर करना चाहता है तो मुझसे आज रात में दुआ मांगे, मैं इसकी दुआ को कबूल करूंगा। फिर अल्लाह ताला बहुत सी चीजों के बारे में कहते हैं आला कजा व कजा, अल्लाह ताला बहुत सी चीजों का एक एक चीजों का नाम लेकर के गिनाते हैं, न जाने जिसकी जैसी जो परेशानी होती है अल्लाह को लेकर परेशानियों का नाम लेकर के पुकारते हैं कि मेरे बंदो आ जाओ, आज मगफिरत की रात है, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, जिस चीज की माफी चाहोगे वो उसको माफ कर दूंगा, जो चीज चाहोगे मैं दे दूंगा, हत्ता यतलुल फजर, यहां तक कि फजर शुरू हो जाती है, यानी सुबह का वक्त हो जाता है, मगरिब से लेकर अल्लाह ताला फजर तक अपने बंदों को यह आवाज लगाते रहते हैं। अब अल्लाह के जो नेक और फरमा बरदार और इस रात के कदरदान बंदे होते हैं वो खड़े होते हैं और अल्लाह के सामने जिस तरह से, चाहे वो तिलावत के जरिए हो, चाहे वो नवाफिल के जरिए हो, चाहे इस्तिगफार के जरिए हो, चाहे वो दुरूद पाक के जरिए हो, पढ़ पढ़ के अपने गुनाहों पर अल्लाह के सामने रोते हैं, निदामत के आंसू बहाते हैं और अपनी हाजात को, अपनी जरूरियात को, अपने तकाजे को अल्लाह के सामने रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी क्या कहता है, हाजात को, उनकी इल्तिजा को, उनकी जरूरियात को अल्लाह पूरा फरमा देता है। और दूसरी रिवायत है हजरत मुआज़ इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला, तीसरी रिवायत हजरत मुआज़ इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला से, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन अहयल लयालियल खमसा, मन अहयल लयालियल खमसा वजबत लहुल जन्नत, जिस शख्स ने पांच रातों में अपने आप को बेदार किया, अपने आप को बेदार किया यानी इबादत के लिए बेदार किया, वजबत लहुल जन्नत, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। वो कहते हैं सबसे पहले तरबिया की रात है, आठवीं ज़िलहिज्जा है, और इसी तरीके से लैलतुल नहर है यानी दसवीं ज़िलहिज्जा है, उससे फिर कहते हैं लैलतुल फित्र, ईद उल फित्र की रात है, फिर आखिर में शुमार करते हैं लैलतुल निसफ मिन शाबान, ये शाबान की 15वीं रात है। मेरे दोस्तों वाकई इस तरह की बहुत सी रिवायतें ऐसी मिलती हैं जिससे साबित होता है अल्लाह ताला इस रात अपने बंदों की मगफिरत फरमाते हैं और ये बाबरकत रात है। अब इस रात के अंदर हमें इबादत कैसे करनी है, आज हमारा माहौल इबादतों का नहीं है, आज हम लोग रस्म रिवाज के पाबंद हो गए, हम